साथियों, जितने भी महापुरुष अभी तक हुए हैं, सभी ने अपने परिवार को छोड़कर, अपनी जाति को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर पूरी मानव जाति के लिए काम किया है, इसलिए उन्हें महापुरुष की श्रेणी में रखा गया है। और उस श्रेणी में साहब काशीराम के बाद अगर नाम आता है तो बहन कुमारी मायावती का नाम आता है। सम्मान्य साथियों, आज वो हमारे बीच हैं और हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। सम्मान्य साथियों, बहन जी ने भी अपने परिवार को छोड़कर, अपने जाति को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर संपूर्ण नारी, संपूर्ण मानव जाति के लिए, उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए काम वो कर रही है, इसलिए दुनिया उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानती है। और उनका आज जन्म दिवस पूरे मुल्क में बड़े हर्षोल्लास के साथ विधानसभा, लोकसभा, जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर मनाया जा रहा है। और बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी उस नारी कौम का नाम उन माताओं के साथ शुमार किया है जिसमें अगर देखा जाए तो भूतकाल से लेकर सुजाता आती हैं, अमरपाली आती हैं, किरसा आती हैं, और आते आते अगर 1800 के आसपास की बात करें तो फातिमा शेख आती हैं, जिनकी जन्म जयंती हमने इसी हफ्ते मनाई है। माता सावित्री फुले की भी जयंती हमने मनाई है। फातिमा शेख का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि माता सावित्री को माता सावित्री बनाने में फातिमा शेख का भी उतना ही हाथ है जितना ज्योतिराव फुले का हाथ है, क्योंकि उनके योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता, उनके योगदान को भी हम नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने माता सावित्री को स्कूल चलाने के लिए, प्रेरित करने के लिए अपनी जगह दी, अपने घर में शरण दी, प्रोत्साहन किया। और ये कारवां चलते चलते यहां तक कि भीमाबाई पर भी आया, जिसने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसे पता था कि मेरा पुत्र एक दिन बड़ा होकर इस देश का नाम रोशन करेगा। और जब वो अल्पायु में उन्हें छोड़कर चली गई और उनके पिताजी ने उन्हें संभाला, लेकिन इसी बीच में उनकी पत्नी बनकर आई रमाबाई, उन्होंने उनके जीवन को और संवारा, निखारा, क्योंकि अगर माता रमाबाई भी ना होती तो बाबा साहब शायद बाबा साहब ना बन पाते, क्योंकि बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में माता रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान है। और माता रमाबाई के बाद में उस माता को भी नमन करूंगा जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने उस महिला की शक्ति को पहचाना, घर से निकाला और उत्तर प्रदेश के सूबे, इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। माता विशन कौर को भी नमन करूंगा जिन्होंने साहब काशीराम जैसे पुत्र को जन्म दिया। और इन सभी मातृ को अक्सर कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है, मेरा आकलन है कि वंश को चलाने के लिए पुत्र या पुत्री की जरूरत नहीं, विचारों की जरूरत होती है, और जो उन विचारों को आगे ले जाता है वही सुपुत्र या सुपुत्री कहलाता है। तो बाबा साहब के विचारों को आगे तक ले जाने में साहब काशीराम बाबा साहब के सुपुत्री के साथ साथ आज उनके जन्म दिवस पर कहेंगे कि बहन हमारी मायावती जी इसी तरह हमें प्रेरणा देती रहे और बहुजन महापुरुषों के उस इतिहास को, जिसमें लोग कहते हैं कि हम इस देश के शासक थे और बनाया साहब ने और हम इसी तरह बनते रहे और वो इस उत्तर प्रदेश क्या भारत की प्रधानमंत्री बने, ये सब हम बहुजनों का सपना है। और यही करेंगे कि एक नहीं, सौ नहीं, हजार वर्ष तक, एक नहीं, सौ नहीं, हजार वर्ष तक
ये रोशनी बुलंद हो जमी से अर्श तक। बहन जी का नाम इस धरती से उस आकाश तक यूं ही गूंजता रहे। आयरन लेडी के नाम से उन्हें यूं ही जाना जाए, जिन्होंने इस देश को एक अलग पहचान दी। बहन कुमारी मायावती का नाम आते ही लोगों को यह पता चल जाती है, उत्तर प्रदेश का नाम याद आ जाता है, और उत्तर प्रदेश का नाम याद आ जाता है तो उनके शासन काल की बात याद आ जाती है कि जब वो उस गद्दी पर बैठती हैं तो बैठने से पहले ही जो गुंडे लोग हैं, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, आईएएस पीसीएस क्लर्क इंजीनियर हैं, वो सभी सत्ते में आ जाते हैं और अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लेते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, और इस गलती की सजा बहुत महंगी पड़ती है बहन जी के शासनकाल में। तो ऐसी बहन जी का जन्मदिवस आज हम मना रहे हैं। मंच पर जैसी हमारी बहुजनों की बहुत लोगों की परंपरा होती है कि कोई भी मंगल कार्य करने से पहले उस जीवन जीने का जो एक पैमाना है जिसे हम पंचशील बोलते हैं उसको धारण करते हैं। हो सकता है कि आदमी भूल बस भूल जाए कि मैंने पंचशील में क्या कहा, इसलिए जब भी कोई मंगल कार्य होता है तो उसे याद दिलाया जाता है कि पाणाति पाता वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, सुरामेरिय वज्रपमादर्थाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि। ये आदमी के जीवन का एक पैमाना है कि आदमी कहीं गलती ना कर बैठे, इसलिए उसे बार बार याद दिलाया जाता है। हर मंगल मौके पर, हर मंगल कार्य पर बुद्ध वंदना यानी पंचशील त्रिशरण का अनुसरण किया जाता है कि अगर हम भूल भी जाएं तो फिर दोबारा से याद कर लें कि हमें इन पांच बातों को याद रखना है, इनमें से कोई भी चीज को हम ना भटकें और इनके विपरीत कोई भी कार्य ना करें, इसलिए पंचशील त्रिशरण का अनुसरण हमने किया। और मेरा मानना है कि जितने भी लोग पंचशील धारण करते हैं कि उनका जीवन श्रेष्ठ जीवन होता है। आम आदमी का जीवन उनके अंदर नहीं होता है, वो श्रेष्ठ जीवन में आता है, क्योंकि आम आदमी से थोड़ा उठकर हो जाता है वो व्यक्ति जो अपने जीवन में त्रिशरण और पंचशील को धारण करता है। आज एसएम न्यूज इस प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रहा है, एक बार जोरदार तालियों से एसएम न्यूज का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। वैसे तो और बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल हमारे साथ हैं और बहुत से लोग यहाँ आए भी हैं, सभी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं। एसएम न्यूज ने कुछ हटकर काम किया, इस प्रोग्राम का आयोजन किया, मैं अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनके उज्जवल जीवन की, मंगल जीवन की कामना करता हूँ। और आज बहन जी के जन्म दिवस पर जो यहाँ उनका जन्म दिवस केक काटकर सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके साथ साथ में हमें यह भी सोचना है कि जिस तरह हमारे पुरुष, हमारे महापुरुष हमें इस कारवां को यहाँ छोड़कर गए, और जो महापुरुष ये चला रहे हैं वो भी जाएंगे, तो उनके बाद में हमें किस तरह संभालना है, किस तरह चलाना है। बाबा साहब के उसी सपने के अनुसार, जय भीम आइए, बाबा साहब के उसी सपने के अनुसार, क्योंकि बाबा साहब ने रोते हुए आगरा में कहा था कि बड़ी मुश्किलों से ये कारवां यहाँ तक लेकर आया हूँ, अगर आगे ना ले जाओ तो पीछे भी मत ले जाने देना, लेकिन मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे ज्यादा थे, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम धोखा नहीं देंगे, क्योंकि जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है वही ज्यादा धोखा देता है। मेरे कहने का मतलब ये है, लेकिन इसको दूसरे वे में ना लें, क्योंकि बाबा साहब भी बहुत पढ़े लिखे थे, क्योंकि हम ज्यादा पढ़ जाते हैं इसलिए बाबा साहब पर उंगली उठा देते हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे दुनिया मानती है, लेकिन हम तो उनके आधे भी पढ़े लिखे नहीं है, चौथाई भी पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम बाबा साहब को उतना पढ़ा लिखा नहीं मान रहे हैं, हम उनके कहने पर शंका
अपने मन में पैदा कर रहे हैं कि शायद बाबा साहब गलत कहकर गए होंगे, इसलिए हम नहीं मानेंगे। और हमारे पढ़े लिखे जो माँ बाप हैं, हमारे पढ़े लिखे जो अनपढ़ पुरखे रहे हैं, हम उनकी बातों को मान रहे हैं। और एक इतने पढ़े लिखे बाबा साहब की बात पर हम शंका कर रहे हैं, उनकी बात पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे और हिंदी भाषा में और गांव की भाषा में ये आता है कि हम बाबा साहब की पढ़ाई पर और बाबा साहब के विचारों पर शंका कर रहे हैं। अगर शंका नहीं कर रहे होते तो हम अपने अनपढ़ पुरखों की परंपराओं को, अपने अनपढ़ पुरखों के उन रूढ़िवादी परंपराओं को, उन त्योहारों को कब तक छोड़ चुके होते। और जो बाबा साहब ने हमें दिए संस्कार, त्योहार या जो भी उत्सव हमें दिए। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।